हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है कढ़ाई पनीर बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कढ़ाई पनीर बनाना। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ये मैंने सामान लिया है। सबसे पहले मैं आपको साबुत मसाले दिखा लेती हूँ। ये मैंने 5 लौंग ली हैं, 1 मोटी इलायची और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, और ये 5 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, 1/2 चम्मच मैंने सौंफ ली है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत धनिया, और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने जीरा लिया, और ये मैंने 2 बड़े प्याज, इनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने 4-5 टुकड़ों में कर लिया है, 3 मैंने बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने मोटे पीसेस में कट कर लिया है, और ये 2 चम्मच मैंने केचप सॉस ली है, और ये 300 ग्राम के आसपास पनीर है, इसको मैंने इस प्रकार से टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 प्याज के मैंने इस प्रकार से ये टुकड़े कर लिए हैं, और ये 2 शिमला मिर्च हैं, इसको मैंने इस प्रकार चकोर में काट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सॉस पैन दिया है। सबसे पहले मैं इसमें ये मसाले रोस्ट करूंगी, और इन्हें मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी, और ये हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। साथ ही मैं अदरक मिर्ची में डाल दूंगी और इसे मैं प्याज को भी भून लूंगी। जब तक हमारा ये प्याज भूनता है कि मैं ये रोस्ट किए हुए साबुत मसालों को पीस लेती हूँ, और ये हमारा मसाला दरदरा पीस के लिए तैयार हो चुका है। हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है। मसाले में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इस मसाले से हमारा कढ़ाई पनीर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और इधर ये हमारे प्याज भुनने लगे हैं, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी प्याज के अंदर। साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक मैं इसमें स्वाद अनुसार डालूंगी। और इसे मैं थोड़ा सा भूनने दूंगी। जब तक ये हमारे मसाले भूनते हैं तब तक मैं शिमला मिर्च और प्याज को भी भून लेती हूँ। और इधर हमारा ये ऑयल भी गर्म हो चुका है, और ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज को कट कर रखा है, अब मैं प्याज को इसमें भून लूंगी। ये हमारे प्याज भूनते हैं, थोड़े से चेक कर लेती हूँ। ये इधर हमारा मसाला भी भुनने लगा है, अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर भी मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसे मैं थोड़ा सा
और भूनूंगी मसाले को। इधर ये हमारे प्याज भी होने लगे हैं। अब मैं प्याज के साथ ही ये शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और मसाले को मैं ठंडा होने दूंगी। अरे प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। जो ये मैंने मसाला लिया है इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। और ये जो ठंडा मसाला हो गया है इसे मैं पीस लूंगी मिक्सी में। और अब मैं इसे पीस लूंगी। और ये हमारा मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब इसमें चौथाई चम्मच में देगी मिर्च डालूंगी। और जो ये मैंने मसाला ग्राइंड किया है ये भी इसमें डाल दूंगी। और इस मसाले को मैं थोड़ा सा भून दूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये दो चम्मच मैंने केचप सॉस ले रखी है ये भी इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ये जो मैंने मसाला भुना था ये मसाले डाल दूंगी। मैं इसमें दो चम्मच मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और साथ ही मैं ये शिमला मिर्च और प्याज डाल दूंगी। अब जो ये मैंने पनीर ले रखा है मैं इसे प्लेट में डाल दूंगी। और इस पनीर के अंदर मैं जो ये मैंने मसाला तैयार किया था ये थोड़ा सा मसाला डालूंगी इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है। पनीर को इसके अंदर डाल दूंगी। और इस कढ़ाई पनीर को मैं एक मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। और ये हमारा कढ़ाई पनीर कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।